पटना के जकनपुर से लगभग 50 लाख रुपए की ब्राउन शुगर के साथ 5 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर इंदिरानगर के शिव पार्वती कम्युनिटी हॉल के पास छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने लगभग 50 लाख रुपए के ब्राउन शुगर के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन दिनों जकनपुर थाने के तहत आने वाले कंकड़ बाग में नशे का कारोबार बेहद तेजी से फल फूल रहा था। पटना ईस्ट के एसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने छापेमारी के दौरान करीमन उर्फ राजेश यादव को गिरफ्तार किया। जब उसकी तलाश ली गई, तो उसके पास से काफी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद हुआ। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी ने ही स्वीकार किया कि वो ब्राउन शुगर का धंधा करता है। आज जो है जक्कनपुर थाना अंतर्गत एक गुप्त सूचना के आधार पर जो है छापेमारी की गई। इसमें जो है इंदिरा नगर शिव पार्वती हॉल के पास चौधरी भवन में करीमन उर्फ राजेश यादव की जो है तलाशी ली गई। उसमें जो है उनके पास हमारे यहाँ 99.4 ग्राम के एक पैकेट, दूसरा 59.4 ग्राम का दूसरा पैकेट, उसके बाद 110 पुड़िया जो है जिसमें तकरीबन हाफ हाफ ग्राम के जो है पैकेट छोटे छोटे बनाए गए हैं वो जो है पकड़ाए। उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ये ब्राउन शुगर है। वहीं करीमन के साथ ही पुलिस ने उसके साथी सोनू, गणेश और संतोष को भी गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से पुलिस को पैकेटिंग करने की मशीन भी मिली। वहीं सख्ती से पूछताछ करने पर इन तस्करों ने गिरोह के एक और साथी के बारे में जानकारी दी। उन्हीं की निशानदेही पर पुलिस ने मिथिलेश कुमार को पोस्टल पार्क से गिरफ्तार किया। एसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि मिथिलेश के पास से ब्राउन शुगर की 100 पुड़िया भी बरामद हुई। उनके पास से पैकेजिंग करने की एक वेइंग मशीन भी है, एक टेप मशीन भी है और उनके पास बाइक और कुछ जो मोबाइल्स हैं वो बरामद हुए। फिर उसके बाद जो है उनकी निशानदेही पर जो है हम लोग एक पांचवें अभियुक्त जो है मिथिलेश कुमार, इनको पोस्टल पार्क चौराहा से जो है इनकी विधिवत तलाशी लेने के बाद जो है इनके पास से 100 पुड़िया जो है ब्राउन शुगर जो है उसमें बरामद हुआ है। और इनके पास से जो है एक सोने की चेन है और बाइक है और मोबाइल फोन है। नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। पुलिस को अपनी मुहिम चालू रखनी चाहिए ताकि पटना के लोगों को नशे के गिरफ्त में आने से बचाया जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।